संघर्ष में आदमी अकेला छोड़ता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो अब आपको फैसला करना है कि आज मेहनत कर आपको वो मुकाम पर पहुंचना है जहां पर दुनिया आपके साथ खड़ी हो, या फिर झूठा भीड़ झूठा क्राउड अपने पीछे रखना है, वो भी कुछ पल के लिए। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और क्लास डेली सुबह में 4:30 बजे चलता है, क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक कर ही जाइएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है वो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सक्सेस की 98 आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने फोन के ऊपर किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, किसी भी एग्जाम का, रेलवे, एसएससी या फिर बैंक का। अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाई करेंगे तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपको आने वाले 1 साल तक हर एक एग्जाम का 20 से 25 सेट दिया जाएगा, ठीक है। और आज कवर करेंगे हम सभी 10 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने, और पहला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अब थोड़ा आप क्वेश्चन को समझ लेना, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, यहां पर क्या है, आप सभी को पता है जो हमारे पूरे विश्व भर में जो COVID-19 पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस महामारी जो फैली है, अब जब ये लॉकडाउन खत्म होगा ना तो बहुत जन का नौकरी जाने वाला है, बहुत जन का नौकरी जाने वाला है लॉकडाउन ओपन होने के बाद। अब ये सब चीज पर भी हर एक राज्य सरकार का नजर है, और पहले नजर गया है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का। इन्होंने बोला है कि अपने राज्य में शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वहां के लोगों को साल भर में कम से कम 120 दिनों का रोजगार वो पक्का देगी। किस योजना के तहत, तो योजना का नाम याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर है। अगर बात करूं कैपिटल तो आप क्या बोलेंगे, शिमला। और राज्यपाल कौन है, बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चंडीगढ़ ने COVID-19 से संबंधित सभी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए COVID-19 के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यानी चंडीगढ़ में जो लोग भी रहते हैं वो यह मोबाइल एप्लीकेशन अपने फोन में डाल सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको हर एक सहायता दी जाएगी, हर एक अपडेट दिया जाएगा COVID-19 से जुड़े हुआ जो भी है। एप्लीकेशन का नाम क्या, CHD, यानी चंडीगढ़ कोड दिया गया है, CHD कोविड, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, COVID-19 प्रकोप के बीच लेन देन की जांच के लिए हैंडसेट को छूने की आवश्यकता को रोकने के लिए किस कंपनी ने दो वॉइस यानी बोलकर आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और यह लॉन्च किया गया है भारत पे के द्वारा। देखो एक्चुअल में क्या है ना, आप सभी को पता है अगर आप बाहर जाते हैं इस लॉकडाउन में या कभी भी बाहर जाते हैं, जब तक वैक्सीन बनकर नहीं आता है, ठीक है, अब आप फोन बार बार टच करेंगे, तो एक बार अगर आप फोन उठा लिए ना तो बार बार आपको प्रेस, आपको टिपने का जरूरत नहीं है, एक बार बोलेंगे एप्लीकेशन खुल जाएगा। ऐसा सुविधा भारत पे दे रहा है अपने एप्लीकेशन के लिए ताकि आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे बोलकर कर सकते हैं। तो यह फैसिलिटी कौन दे रहा है, तो यह सुविधा दे रहा है आपका भारत पे, और भारत पे के सीईओ का नाम याद रखिएगा, नाम क्या है, अस्नीर ग्रोवर, ठीक। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक तो ये एप्लीकेशन है, इसका लॉजिक मुझे समझ ही में नहीं आता है कभी कभी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरकार द्वारा भारत की गई आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ने टेलीमेडिसिन सेवा और लोगों के परामर्श के लिए कौन सा पोर्टल स्पेस शुरू की, और कौन सा पोर्टल जो है वो शुरू किया है। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या क्या करना है। पहले आप समझो, ये जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन में आपको बस अपडेट दिखाता है कि कितना केस हुआ कितना केस नहीं हुआ, बाकी कुछ नहीं है। एक्चुअल में अगर मान लो मुझे COVID-19 है, अगर मैं बोल दूं वहां पर कि मुझे नहीं है, अगर मैं बोल दूं वहां पर नहीं है, तो उस एप्लीकेशन क्या है वो मुझे भी मान लेगा कि मुझे कोरोना नहीं है जबकि मुझे है। तो वहां पर एक्चुअल में ईमानदारी दिखाना पड़ेगा लोगों को ईमानदारी दिखाना पड़ेगा, और भारत में कितने ईमानदार है मैं आपसे छुपा थोड़ी है,
वरना करप्शन थोड़ी ना इतना दिन पर दिन बढ़ता, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आरोग्य सेतु के द्वारा एक पोर्टल चालू किया गया है, पोर्टल, उस पोर्टल का नाम क्या है, उस पोर्टल का नाम है आपका मित्र पोर्टल, ऑप्शन नंबर डी। अब इस पर क्या होगा भैया, तो इस पर ये अच्छा है, इस पर क्या होगा, अगर मान लो आपको अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाना है तो आप यहां पर फॉर्म वगैरह फिलअप कर कर आप अपने घर पर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। दूसरा सुविधा यह है, अगर मान लो आपको कोई सहायता चाहिए तो भी आप यहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट, जो भी कोरोना वॉरियर्स है उनसे, जो फ्रंटलाइन वॉरियर है उनसे आप कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। तो इसका पोर्टल का फायदा है ये आप बोल सकते हो, लेकिन नकार नहीं सकते। अब सरकार बोल रही है तो डाउनलोड करिए आप सभी, अच्छा चीज है। देखो मैं अब अकेला तो नहीं बोल सकता कि नहीं काम करेगा, लेकिन मेरा बस इतना मानना है कि अगर लोग ईमानदारी से अपना डाटा बताए तब ये 100% एप्लीकेशन सही है। लेकिन अगर मान लो मुझे कोविड-19 है, अगर मैंने वहां पर बता दिया मुझे है ही नहीं, तो एक्चुअल में क्या होगा, वो एप्लीकेशन पकड़ लेगा कि मैं भी नहीं हूं, मैं भी संक्रमित नहीं हूं। समझ रहे हैं आप चीज को, समझिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूं एप्लीकेशन का, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस वित्तीय संस्थान ने एक वैश्विक नेटवर्क के साथ साथ एक वेंचर इकोसिस्टम बनाने के लिए हांगकांग फाइनेंशियल कैपिटल फर्म के साथ भागीदारी की है, तो ये किसने किया, किस वित्तीय संस्थान ने, तो IIT हैदराबाद ने, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, कवि और लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे, यह आपको बताना है। उस पोएट और राइटर, उस कवि और लेखक का नाम क्या है, तो निजार अहमद, यह कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह किस राज्य से जुड़े हुए थे, तो कर्नाटका, ऑप्शन नंबर आपका सी। कर्नाटका के सीएम कौन है, येदियुरप्पा, राज्यपाल वजूभाई वाला, और कैपिटल तो आप सभी का बेंगलुरु। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हर एक एजेंसी जो रेटिंग देती है हर एक कंट्री को, इंडिया को, जीडीपी को लेकर, ग्रोथ को लेकर, एक नया रिपोर्ट में DBS बैंक का भी डाटा आ चुका है वित्त वर्ष 21 के लिए, यानी DBS बैंक ने अपने पिछले, यानी पहला जो अनुमान लगाया गया था DBS बैंक के द्वारा, वो लगाया गया था भारत का GDP को लेकर 1.5%, अब वो इसको नकार रही है। अब DBS बैंक का कहना है वित्त वर्ष 2021 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया गया है नया, तो 1%, ऑप्शन नंबर सी, जो कि पहले 1.5% था, इसको आप सभी काट देना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के नए प्रमुख वित्त अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप सभी को पता है फ्लिपकार्ट का ही कंपनी है मिंत्रा, ये पता होगा ना, तो आपको बताना है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा। और एक बात, फ्लिपकार्ट किसके द्वारा ले लिया गया, वॉलमार्ट जो अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने 77% शेयर अपना देकर वॉलमार्ट को खरीद लिया है, वॉलमार्ट को बोल रहा हूं, फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है वॉलमार्ट ने। आप सभी को पता होगा, मैंने बहुत बार अपने चैनल पर बताया है। तो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के नए मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में जिसे चुना गया है उनका नाम क्या है, श्री राम वेंकटरमन, ऑप्शन नंबर आपका बी। और फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, तो ये बहुत बार बताया है मैंने आपको, कल्याण कृष्णमूर्ति, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विदेश मंत्रालय में नए आर्थिक संबंध सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है, और उनका नाम है आपका राहुल छबड़ा, ऑप्शन नंबर आपका डी, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस अमेरिकी निजी, यहां पर समझिएगा, इक्विटी फर्म ने जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है, यानी अब जो जियो एप्लीकेशन है ना, या जो जियो मार्केट है, जो जियो कंपनी है रिलायंस का, अब उसमें शेयर खरीदा जाएगा अमेरिका की एक इक्विटी फर्म के द्वारा, तो वो फर्म का नाम क्या है, सिल्वर लेक, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यूसुफ होसाम जो अपने भाई के भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल नहीं होने के बाद मैच फिक्सिंग के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है उनके ऊपर, वो किस खेल से संबंधित थे, ये आप सभी को बताना है।
यूसुफ होसा जो अपने भाई के भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल नहीं थे, उसके बाद भी मैच फिक्सिंग में जो है वो शामिल थे, इसलिए इनके ऊपर आरोप जो है वो सिद्ध हो गया और इनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन बताना है, जो यूसुफ होसाम के ऊपर बैन लगाया गया है वो किस कौन सा खेल खेलते थे? तो यह एक टेनिस प्लेयर थे। अब आपके माइंड में तो आ रहा होगा, भैया टेनिस तो खेलते थे लेकिन किस देश के लिए खेलते थे? तो यह खेलते थे आपका इजिप्ट के लिए। कहाँ के लिए? इजिप्ट के लिए। बिल्कुल सही सुना। और पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, इजिप्ट का मुद्रा, इजिप्ट का राजधानी, इजिप्ट का राष्ट्रपति, तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है, ठीक है? सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और हमेशा की तरह अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो लोग हैं तो हम हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक?